नमस्कार, कार्यक्रम कला संगम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम जिस विधा से आपको रूबरू कराएंगे, उसकी अदायगी, उसकी रवायत हम सबको मंत्रमुग्ध करती है, आकर्षित करती है। आज़ादी का जश्न हो या फिर खुशियों का पैगाम हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या लोक रंग का जादू, अपने सुरों की मिठास से वो हम सबके दिलों में रस घोल देती है। जी हाँ, जिसने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को अमर बना दिया, उन्हीं की रवायत, उन्हीं की विरासत को सहेज रहे हैं तमाम शहनाई वादक, तमाम दिग्गज कलाकार। आज हम जिनसे आपको रूबरू कराएंगे वो हैं सुप्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित अनंत लात के पौत्र, दयाशंकर के पुत्र श्री पंडित संजीव शंकर और अश्वनी शंकर जी। आइए उनसे रूबरू होने से पहले एक नज़र डालते हैं उनकी कलामय यात्रा पर। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसकी सुरीली मंगल ध्वनि मन के तारों को झनकृत कर देती है। शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक रंग की हर विधा में रची बसी है शहनाई। मंदिरों की मंगल ध्वनि से शुरू होकर संगीत सरिता की संगनी शहनाई ने खास मुकाम हासिल कर लिया है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को अमर कर दिया। शहनाई वादन की इस विरासत को कई दिग्गज कलाकारों ने संवारा है, सहेजा है। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक पिता अनंतलाल, पुत्र दयाशंकर और अब पौत्र पंडित संजीव शंकर और अश्वनी शंकर शहनाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुरों से सुरों को मिलाते दोनों भाई शहनाई की अद्भुत प्रस्तुतियां दे रहे हैं। शहनाई वादन में अपनी कला का प्रमाण देते हुए देश विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दी हैं। आपकी काबिलियत और कला की अद्भुत अभिव्यक्ति के लिए अनेक सम्मानों के साथ साथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से आपको सुशोभित किया गया है। भारतीय कला संस्कृति और संगीत में आपकी तीनों पीढ़ियों का नाम गर्व से लिया जाता है। आज के कार्यक्रम में है एक खास रंग, शहनाई वादन का। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या लोक रंग हो, कला संस्कृति की फिजाओं में जब शहनाई के स्वर गूंजते हैं तो बनारस की मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू हम सबके मन में, हृदय में घुलने लगती है। इसी शहनाई ने अमर कर दिया भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। उनकी इस रवायत को, विरासत को सहेज रहे हैं तमाम शहनाई वादक कलाकार। आज हमारे साथ ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने शहनाई वादन को एक खास ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ हैं पंडित संजीव शंकर जी। नमस्कार। पंडित अश्वनी शंकर जी। नमस्कार। और इसी घराने से ताल्लुक रखते हैं पंडित आनंद शंकर जी, जो तबले पर संगत करेंगे। आइए आज इनसे रूबरू होकर शहनाई वादन पर विस्तार से बातचीत करते हैं। अश्वनी जी, जैसे कि शहनाई का नाम आता है तो सबसे पहले वही मंगल ध्वनि हम सबके जहन में आती है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, शहनाई का जो प्रचलन है वो सदियों से चला आ रहा है, तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत मंगल ध्वनि से हो जाए। Thank you.
बहुत ही सुंदर। तो संजीव जी, अश्विनी जी, जो आपने ये मंगल ध्वनि सुनाई, कौन सा राग था, ये क्या था, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। ये राग एक ऐसा राग है जो कि शहनाई वादक जितने भी हैं उन लोग का प्रिय राग में से एक है, क्योंकि शहनाई पे ये राग बहुत खूबसूरत सुनाई देता है। इस राग का नाम है राग शुद्ध सारंग, और जिस अंग से हमने बजाया ये जो क्लासिकल अंग में जो ख्याल अंग जो है, तो ये उसमें हमने पेश किया। और शहनाई में तो मतलब तरह तरह के अंग बजते हैं, इसमें देसी संगीत भी है और उपशास्त्री भी है, फोक म्यूजिक बजता है इसके अंदर। तो जैसे कि शहनाई का नाम आता है तो हमारे दर्शक शहनाई को देखना भी चाहेंगे, जो इसकी रचना है, जो इसके जो भी इसमें प्रयोग होता है, इसके बनाने में बड़ी शिद्दत से उसको संभाला जाता है, लाया जाता है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं, इसको दिखाएं भी हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये शहनाई जो है, सबसे पहले तो मैं इसका नाम बताऊं आपको कि शहनाई जो है ये दो शब्दों को मिला के बनता है, पहला है शह और नाई, और ये दोनों शब्द जो हैं ये फारसी के हैं। अच्छा। तो शह नाई जो है, शह का मतलब होता है किंग, राजा, राजा, और नाई का मतलब होता है पर्शियन में फ्लूट। अच्छा। तो किंग ऑफ फ्लूट का इसको दर्जा दिया गया है, और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो है शहनाई की जैसे ही जो इंस्ट्रूमेंट है उनको मंगल वाद्य के रूप में जो है उनको देखा जाता है, चाहे हिंदुस्तान में शहनाई हो, हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर नादस्वरम हो जाता है, नादस्वरम होता है। अगर हम अफगानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जुर्ना हो जाता है, उसके बाद सुरना हो जाता है, हमारे कश्मीर में सुरनाई करके है। अच्छा। ऐसे ही करते करते आप अगर आप इजिप्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिजमार करके है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट, और अगर आप फ्रांस में जाते हैं वहाँ बुंगबाक करके है, ऐसे ही पूरा यूरोप में और इंग्लैंड में जो है वो बैक पाइप जो है, हालांकि वो इससे अलग होता है क्योंकि उसमें रीड नहीं होता। अच्छा। तो पर आपको मोटा मोटा हर जगह यही दिखाई देगा। और शहनाई की खास बात यह है कि शहनाई ने अपना जो उसका ये बनावट है लगभग लगभग सामवेद के समय से जो है ये ऐसा ही है। तो ये पत्रिका जो है ये बहुत खास तरह की एक पानी में उगने वाली घास है, उसको बोलते हैं नरकट। ये नरकट जो मिलता है वो डुमराव में मिलता है, डुमराव बिहार में, बिहार में जी। और डुमराव वो जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म हुआ था। होली के समय जो है ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, फिर लाके हम लोग उसको 6 महीना सुखाते हैं, सूखने के बाद फिर इसकी कटाई होती है, फिर इसकी इसको घुटाई होती है इसकी, उसके बाद इसको जो है तैयार करके हम ये शेप देते हैं, और उसको जो है फिर कम से कम 15-20 दिन के लिए इसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, और उसके बाद जाके जो है इसमें कई महीनों के रियाज के बाद जो है एक मतलब 100 में से शायद 5 पत्तों निकल के ऐसे आते हैं जो कॉन्सर्ट लेवल के हिसाब से जो है वो मतलब उनका सुरीले देखे जाते हैं, उसके अंदर उतना स्कोप होता है कि आप कॉन्सर्ट लेवल का जो जब बजाते हैं तो वो आपको सपोर्ट कर पाए। तो इसमें कितने मुख्य पत्र लगाए गए हैं? नहीं, इसमें तो एक ही है जो अभी हम बजा रहे हैं, पर इसके जो है 4 भाग हैं। तो पहला जो है ये है पत्तुर, और दूसरा जो है वो है ये इसका नरी, जो कि जो पत्रिका का वाइब्रेशन जो है, रीड का जो वाइब्रेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, इसको बोलते हैं नली, नली या नरी। और फिर आती है इसकी मेन बॉडी, बहुत सिंपल सा है, कुछ ना कुछ बांसुरी की तरह भी दिखती है, और बहुत सिंपल है कि इसमें देखिए कि इसमें 7 छेद हैं जी, 7 स्वरों के लिए। और ये इसको कहीं पर डांड बोलते हैं, पर हम लोग के बनारस में जो है इसको शहनाई बोला जाता है। और ये मुख्यतः ये सागवान की जो लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी जी, और बर्मा टीक उससे बनाया जाता है, और ये सीजन होता है। तो एक एक जैसे जो शहनाई ये बजा रहे हैं संजीव भाई, तो संजीव जी ये जो शहनाई है कितनी पुरानी है आपकी? ये हमारे दादाजी की शहनाई है जो उनको उनके चाचा जी से मिली थी। अच्छा, पंडित अनंतलाल जी। जी। अच्छा, तो इसका उम्र कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम 100 साल तो होना चाहिए। इसी को कहते हैं विरासत को सहेजना, रखना, संभालना। बहुत खूबसूरती से आपने रखा हुआ है। तो संजीव जी, आपके परिवार में जो शहनाई का जो वादन है, जो शहनाई वादन है, वो एक परंपरा रही है। आप तीनों भाई इससे जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ? शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग बचपन में जो है, चाहे वो शहनाई मतलब जितने भी जो बजाते हैं, अक्सर जो है उन सबकी जो शिक्षा जो है स्टार्टिंग होती है वोकल लेसन से।
कि आप अच्छा गा पाएंगे तो आपको मालूम है कि शहनाई, क्योंकि इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर वो आत्मा डालने के लिए अगर आपको मालूम है कि इनकी गाने में क्या जा रहा है एफर्ट, तो फिर वो इजीली निकल के आता है इसमें। तो हम लोगों ने शुरुआत में गाना सीखा, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सितारा बजाऊं। अच्छा। और भाई की बहुत इच्छा थी कि वो गिटार बजाए। अच्छा। और आनंद भाई की बहुत इच्छा थी कि वो वायलिन बजाए। अच्छा। कुछ ऐसा समय ने अपना जादू दिखाया कि हम लोग, मैं और रश्मि भाई जो है, कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपके पिताजी दादाजी शहनाई वादन से जुड़े रहे, हाँ। तो उनका भी आपके ऊपर असर रहा होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। ये सीखनी है आपको, हाँ। इसको आगे बढ़ाना है जी, हाँ। तो आपने जो गायकी का अंग था वो किससे सीखा? तो गायकी का अंग जो है हमारे पिताजी पंडित देवशंकर जी और हमारे दादाजी पंडित अनंतलाल जी, उनके पास हम लोगों ने सीखा। अच्छा। और उस समय जो है हमारे घर पे हमारे दादाजी के गुरुजी पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी भी आते थे। अच्छा। तो कभी कभी उनके साथ भी हम लोग बैठते थे वहाँ पर, तो सिर्फ बैठते थे, सीखते नहीं थे, पर वो गाते थे तो हम लोग वहाँ बैठे रहते थे। तो एक काफ़ी एक इन्फ्लुएंस जो है वहाँ से भी मिला। तो और गाना तो मतलब आदमी वैसे भी कोई भी हो, चलते फिरते उठते बैठते गाना तो गाते ही, तो पर एक शिक्षा मिली घर से, तो उससे जो है एक अलग अंदाज में शहनाई का हम लोगों ने कोशिश किया। पंडित रविशंकर जी से भी आपका मिलना हुआ, आपके गुरु हैं जी, तो उनसे जो मिलना हुआ वो कैसे मिलना हुआ, कैसी उनकी यादों को आपने संजोया हुआ है? बहुत बड़ी हस्ती हैं वो जी, जी। तो क्या कैसे यादों को उनकी साझा करेंगे आप? पंडित रविशंकर जी गुरु जी जो थे वो हमारे पिताजी के भी गुरु जी हैं। अच्छा। और बचपन से हम लोग, मैं और संजीव भाई जो है, वो शुरू से हम लोग का सितार के क्या जो एक शैली है, वादन की शैली जो है, उसके प्रति हमारा बड़ा रुझान था। और हम लोग अक्सर उनकी कैसेट सुन सुन के वो कॉपी करने की कोशिश करते थे कि वो स्टाइल जो है वो शहने में आए, क्योंकि अच्छा। शहनाई का मुख्य था जो दादाजी और पिताजी का स्टाइल, दादाजी का जो स्टाइल था वो गायकी का स्टाइल था। अच्छा। तो और जब पिताजी उनके शिष्य बने तो उन्होंने बहुत सी सितार की ऐसी चीज़ें जैसे तंत्रकारी और कुछ ऐसी बंदिशें जो सितार में बजाई जाती हैं थोड़ा फास्ट टेम्पो का, वो सब शहनाई में उन्होंने लिया, तो उसकी शिक्षा हमें भी मिली। और सौभाग्य हुआ कि 2003 में गुरुजी का फोन आया पंडित रविशंकर जी का, और उन्होंने हमें बुलाया कि अच्छा। मैं सुनना चाहता हूँ। उनका खुद ही फोन आया आपके पास? जी, हम लोग अच्छा। रियाज कर रहे थे बैठ के अच्छा। और रियाज करते करते फोन आया, मैंने फोन उठाया तो गुरुजी बोले कि मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा रविशंकर कौन? बोले कि मैं सितारा बजाता हूँ। जब उन्होंने ये बात बोली तो मतलब जमीन खिसक गई पांव से, तो अब मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी मैं पापा को बुलाता हूँ। बोलते नहीं नहीं मेरे को तुमसे ही बात करनी है, एशनी पास में ही है क्या? मैंने कहा जी हम लोग बैठ कर रियाज कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें सुनना है, आओ तो कल आ जाओ। तो मैंने एशनी की तरफ देखा, मैंने कहा कल बुलाना है गुरुजी, क्या करना चाहिए? तो नहीं नहीं हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद। तो मैंने गुरुजी कल तो काम है, परसों आ जाओ। मैंने गुरुजी परसों भी काम तो बोले कब आओगे तुम बताओ? मैंने गुरुजी अगले हफ्ते आ जाऊंगा सोमवार को। बोला ठीक है सोमवार को। तो हम लोग ने एक हफ्ता बैठ कर रियाज किया खूब। अच्छा। और जब गुरुजी का ही कैसेट सुन के रियाज किया जी, हमने राग भी यही बजाया था, सारंग ही बजाया था। अच्छा। तो जब उनके सामने बैठ कर बजाए तो गुरुजी कहते हैं कि लगता है कि HMV घराना है। बहुत सुनते हुए लगता है। और बात सही थी बिल्कुल कि हम लोग मतलब गुरुजी का एक बार कैसेट लगा देते थे तो वो तब तक नहीं निकलता था जब तक हम लोग उसको बिल्कुल इनसाइड आउट जो है याद ना कर लें, हमारे दिमाग में ना बैठ जाए। और सिर्फ बैठने वाली बात, सिर्फ याद करने वाली बात नहीं, उसकी बारीकी, उन्होंने गुरुजी क्यों कर रहे हैं ये काम, कि अगर यहाँ सा लगाया तो यहाँ पर पाँ क्यों लगाया, यहाँ रे क्यों लगा, यहाँ मध्यम क्यों लग रही है, तो वो एक जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के पीछे की फिलॉसफी है सुरों की, तो हम लोग वो समझने की कोशिश करते थे। और शायद गुरुजी को ये बात अच्छी लगी कि ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये लोग सिर्फ रट्टा मार के जो है इंसान देने कुछ गहराई भी है, बारीकियां भी हैं सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो गुरुजी ने हम लोग को यही बोला कि भाई जो हम सिखा रहे हैं वो सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते से कितने निकल सकते हैं ये तुम लोग अपने आप देखो, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा अपने। तो गुरुजी के साथ हम लोग का जो समय बीता है वो तो बिल्कुल ऐसा बीता है कि जैसे मतलब
बंजर भूमि में जो है मतलब बरसात हो गई हो, बरसात हो रही हो और वो भी जम कर जम के हो रही हो और वो बिल्कुल खेत जो है धीरे धीरे भर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग भगवान से मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ना सिर्फ गुरु जी बल्कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ऐसे ऐसे महान हस्तियों का जो है सानिध्य दिया, उनका साथ दिया, उनका हमारे जो भी हम हैं आज उनका योगदान इतना बड़ा है कि उस योगदान के बगैर तो हम लोग शायद क्या होते, हम कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल। और अश्विनी जी, शंकर जी, आप भाइयों का बड़ा नाम है, देश विदेशों में भी काफी प्रस्तुतियां आप दे रहे हैं आजकल, तो जो गुरु जी से आपने सीखा, कोई रंग सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सुंदर बजाया राग जोगेश्वरी। अच्छा, राग जोगेश्वरी। तो ये उनके जो कुछ बहुत खास राग हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनको अलग अलग घरानों में गाया जाता है, तो उनमें से राग ऐसा ये है, जैसे एक नटभैरव भी उनका बनाया हुआ राग, और वो चाहे कोई भी घराना हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैहर घराना वाले ही गाएंगे नटभैरव, मैहर घराना हो, जयपुर हो, चाहे भिंडी बाजार हो, चाहे बनारस घराना हो, लखनऊ घराना हो, जयपुर हो, सब लोग नटभैरव गाते हैं, सब लोग जोगेश्वरी भी गाते हैं, ऐसी जोग कौस भी सब लोग गाते हैं, और काफी उनके ऐसे राग हैं जो कि हर घरानों में प्रसिद्ध हुआ है। जी, तो अपनी जो बचपन की यादें हैं, आपका जन्म, आपके माता पिता, आपके जो साथी संगी, उनकी यादें तो आपके साथ होंगी। बिल्कुल, बनारस में जन्म जो है हमारे भाई आनंद जी का हुआ, आनंद जी का, और अश्विनी भाई का जो है वो हुआ दिल्ली में। अच्छा, और मेरा जन्म हुआ काबुल में, काबुल में, अफगानिस्तान। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं 6 महीना 7 महीने का था तब इंडिया आ गए थे, दिल्ली आ गए थे। पर एक हम लोग का जो है मतलब एक फैमिली जो था, मतलब बहुत ही क्लोजली नेट फैमिली जी था, और
हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बहुत जिज्ञासा हो रही होगी, आप बड़े हैं जी, अश्विनी जी आपसे कितने छोटे हैं? हमारे बीच में जो है वो चार साल का अंतर है। और आनंद जी? उनके साथ मेरा 2 साल का फर्क है, तो हम सब में 2-2 साल का गैप है। और तीनों भाई संगीत से जुड़ गए, शहनाई से जुड़े, आप तबले से जुड़े, तो जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि अलग अलग विधाएं जो थी उनमें आप लोग जाना चाहते थे, तो फिर कैसे ये रुझान इस तरफ जुड़ा आपका? मतलब काफी हद तक श्रेय जो है वो गुरु जी को जाता है, पंडित रविशंकर जी को। अच्छा। क्योंकि जब मेरी कुछ 7 साल की उम्र थी, 7 या 8 साल की उम्र थी, तो गुरुजी ने के पास मैं गया एक दिन ऐसे ही, तो बोले क्या करते हो बेटा? मैंने कहा गुरुजी सितार बजाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि किससे सीख रहे हो? तो मैंने बताया इनसे सीख रहा हूँ। बोले कि नहीं, सितार सीखना है तो मेरे पास आओ। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई फाइनली गुरुजी अपने आप से बोल रहे हैं कि मेरे पास सीखो। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला एक शर्त है कि तुम्हें रहना मेरे साथ पड़ेगा। लोक रंग का जो जादू है शहनाई का, वो तो सर चढ़कर बोलता है, कोई लोक रंग का हमें सुनाए? बिल्कुल, जैसे कि सुनने वाले भी सराबोर हो जाए। हमारे दादा गुरु पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी की लिखी हुई है कि डगर बिच कैसे चलूं मोहे रोके कन्हैया बेपी, डगर बिच कैसे चलूं मोहे रोके कन्हैया बेपी, डगर बिच। मैं जमुना जल भरन गई थी, बिचवा में थारे कन्हैया हो, बिचवा में थारे कन्हैया मोहे रोके। भारतीय कला संस्कृति भारतीयता के संस्कारों से लिपटी है, जो जनमानस की आत्मा है। किसी भी कलाकार को सुनना, समझना और उसको सराहना हम सब के लिए बेहद गर्व की बात होती है। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में एक और कलात्मक रंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।